आपको हर नई नई खबरों से हम जो है रूबरू कराते रहते हैं। तो आज हम आपको कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट जो आप जानते हैं डीसी ऑफिस के सामने हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं, जहाँ पर ये कर्मचारी है सफाई कर्मचारी यूनियन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से। तो आइए जानते हैं, काफ़ी टाइम से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, क्या कुछ इनका जो समाधान है वह निकला है, तो उसके बारे में आइए हम इनसे बात करें। हाँ जी नमस्कार आंटी। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम निर्मला है जी। मैं विकास बोर्ड में 2005 से लगी थी, अब मेरे को 15 साल हो गए थे जी। और इन्होंने बिना इंटीमेशन दिए, किसने विकास बोर्ड ने जी, विकास बोर्ड में अम्बरम सरोवर पे काम करते थे जी। हाँ जी, तो यहाँ इन्होंने 13 मई को हमें एकदम जवाब दे दिया। अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा काम इन्होंने हमारे से करवाया, सफाई का, पैड़ियाँ साफ करवाई। लॉकडाउन में सारे अंदर थे जी, हम बाहर काम कर रहे थे। और इन्होंने आपने आंटी ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि उस वक्त पे जो है सभी लोग आप अपनी सुरक्षा को लेकर घरों में बैठे हुए थे, उसके बावजूद आप लोग अपनी फिक्र ना करके हम सबकी फिक्र के लिए जो सफाई का कार्य है वो है जारी रख। हमने सारे ब्रह्म सरोवर की सफाई करी, सीढ़ियां साफ करी जी। हर लॉकडाउन में सारा इन्होंने काम करवाया। और 13 मई को इन्होंने हमें बिना इंटीमेशन दिए जी एकदम कह दिया भाई यहाँ लॉकडाउन लग रहा है, काम नहीं है, तुम्हारे देने के लिए तनख्वाह नहीं है, भाई आप अपने अपने घर बैठो, जब लॉकडाउन खुलेगा जब लगा लेंगे। इसलिए हम यहाँ एक साल से बैठे हैं, 14 मई से यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हम कहाँ जाएँ जी, अब हमें और कोई काम नहीं है, कहाँ करें हम जाके। जो जैसे आप लगे थे तो वो आपका कोई मतलब लीडर वगैरह प्रधान वगैरह होता है कुछ? हाँ जी, प्रधान थे जी हमारे। तो उन्होंने आगे कार्रवाई नहीं की? भाई आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, इतने समय से, तो आपको जो आपका हक है मतलब आपको जो पक्का होना चाहिए था। हमें इन्होंने हमारा हक पक्का भी नहीं करा, पक्का तो दूर की बात है जी। इन्होंने हमें सारे पास गए, कभी ये कह रहे हैं जी 15 लग जो, कभी कह रहे 30 लग जो। हम दोनों बारी गए भी, चल हमें 15 को लगा लो। कितने हैं मैक्सिमम, कितने 70 बंदे हैं जी। सत्तर? हाँ जी। तो इन्होंने जितनी बारी हमारे से कहा भी 30 लग जो, हम 30 के लिए भी सहमति करने गए भी चल लगा लो। फिर इन्होंने कहा 18 लग जो, फिर हम 18 के लिए भी सहमति करने गए। 18 और 30 वाली बात मैडम डीसी ने कही थी जी। और डीसी से मिलने गए, इन्होंने भी कोई परवाह नहीं करी। फिर सीओ साहब थे, उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा भी 15 लग जो, 15 के लिए गए हम, फिर भी इन्होंने नहीं लगाया। हम क्या आपको उन्होंने कॉन्टैक्ट बेस पर रखा हुआ था? नहीं नहीं, हम ठेकेदार पे थे जी, जो सुलभ इंटरनेशनल पे, जो सुलभ इंटरनेशनल दिल्ली की कंपनी है उस पे थे हम। अच्छा। उस पे लगे हुए थे, उसका ठेका खत्म हो गया था, उसके बाद दूसरे ठेकेदार को टेंडर दिया गया था, फिर हमारे को रखे गए भी रख लेंगे इनको। रखने के बाद शाम को बात हुई थी भी 40 बंदे इनके, 40 बंदे रख लेंगे, 40 के बाद सवेरी बोले 20 रखेंगे, घंटे पीछे मेरे भैया हम तो तारे बंदे खुद 15 ही रखेंगे। तो आपने फिर उसके बाद क्या कहा जब उन्हें 15 के लिए? 15 से तो माने जवाब दे दिए, हम 70 बंदे, 15 बंदे कैसे लग जा, हम किस किस का चूल्हा बंद करें भैया, हम जाके हम 10-15 बंदे ले जा, 15 बंदे लगा दा तो दूसरे बंदे तो त्राज करेंगे भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब अपनी जुबान पर कोई भी काम नहीं है, चाहे वह अधिकारी को लेकर हो या फिर कोई इनका जो ठेकेदार को लेकर हो। आप देख सकते हैं गरीब की जो मजबूरी है उसका जो है यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं रखता है कि एक गरीब परिवार किस तरह से जो कार्य है वहाँ से करके अपने परिवार की अपनी गृहस्थी कैसे चलाता है, कैसे अपने बच्चों को पालता है। उन्हें एकदम से कह दिया जाता है कि जो आपका कार्य है उसकी जो तनख्वाह है हम नहीं दे सकते, और उसी को लेकर आज यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र में लगातार एक साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। हाँ जी आंटी जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो आवाज़ है प्रशासन तक पहुँच पाए और उनकी समस्या का जो समाधान है वह निकल पाए। हम चैनल को ये कहते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट है जी, आप हमारी समस्याएं ऊपर बताएं और हमारा समाधान करवाएं। धन्यवाद। तो बने रहिएगा हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।